अभी तक हमने 5 केसेस कर लिए थे। केसेस बेसिकली है कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करवा रहा हूँ ताकि बड़ा जब क्वेश्चन आए ना तो मेरा काम आसान हो जाए, वहाँ पे आप लोगों को समझ में सब आ जाए, अच्छा ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखा है बस। नहीं तो मैं सीधा बड़े वाला जब क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। छठा केस, लास्ट क्लास में हम 5 केसेस कर चुके हैं, अभी छठा केस करेंगे फिर बुक के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो छठा केस क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है और इसका रिडीम होना है 10% ₹1 लाख का डिबेंचर, और जो रिडीम होना है हमने गिवन ऑप्शन ऑप्शन दिया है मैंने ऑप्शन 2 डिबेंचर होल्डर, ऑप्शन दे रखा है हमने डिबेंचर होल्डर को। और सर क्या ऑप्शन दे रखा है हमने डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को जी ऑप्शन दे रखा है हमने ऑप्शन नंबर 1 के आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कैश ले लीजिए और झंझट हटाइए, या आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लीजिए वो भी 12% वाला एट पार पे, या फिर आप ऐसा करें आप 15% डिबेंचर ले लीजिए एट प्रीमियम पे 10%, ये ऑप्शन दिया है मैंने। और रिडीम जो एट पार पे ही मान रहे हैं, सिंपल से कर रहे हैं, रिडीम कैसे है हमारा एट पार पे। अब जब मैंने ये ऑप्शन दिया है, अब डिबेंचर होल्डर इस ऑप्शन को ऑप्ट करता है, कुछ डिबेंचर ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 20% डिबेंचर होल्डर ने ऑप्ट किया है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका 30% डिबेंचर होल्डर ने ऑप्ट किया है, बैलेंस जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा ले रहे हैं 3। पहले आपको मैंने, देखो मैंने तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। बुक की प्रॉपर लैंग्वेज तो मैं लिख नहीं रहा, जब बुक के क्वेश्चन होगा तो वो देखेंगे। पहले सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आ गया, हमें 1 लाख रुपये वापसी करना है, और 1 लाख रुपये वापसी करने में हमने डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया, तो डिबेंचर होल्डर ने भी कुछ ने तो बोला भैया पैसा दो, कुछ ने बोला मेरे को प्रेफरेंस शेयर दो, और कुछ बोलता है हमें डिबेंचर दो। तो जिनको जो 20% है उसको क्या देना है पैसा। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए मैं जनरल एंट्री अगर करूं यहां पे, पहले वाले ऑप्शन के लिए तो 20% का मतलब 1 लाख रुपए का 20% 20,000, तो इसको पेमेंट देंगे तो हम करेंगे 10% डिबेंचर, या तो हम ड्यू तो सभी को करना है ना, हम ऐसा करते हैं एक बार में ड्यू कर देते हैं टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख। पहले इस एंट्री में देखिए ड्यू एक बार में कर दिया, या फिर आप 20,000 करके 20,000 30,000 और 50,000 करके कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट, ड्यू हो गया ये पूरा। अब ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको करते हैं हम, तो सबसे पहले भाई ड्यू कर दिया हमने, अब पेड करना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए मैंने ड्यू तो एक कॉमन एंट्री कर दिया है। अब पेमेंट की हम बात करते हैं अगर, तो पेमेंट के केस में क्या है हमारा कि कैश में देंगे तो DRR फुलफिल करना है, DRI फुलफिल करना है, वो सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो हम पहले बनाएंगे DRR स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR, कुछ है नहीं तो भाई यही कर सकते हैं। कितने रुपए, अब आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है तो अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हो 100% बना दो, तो यानी आपका 20% वाला ऑप्शन चल रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, 20% वाला ऑप्शन चल रहा है, तो DRR बना देंगे कितना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे, तो फिर 10% यानी 2,000 बना देना। इसके बाद DRI की एंट्री क्या करेंगे हम, DRI टू बैंक, कितने परसेंट होता है ये,
डेट मैं कहीं मेंशन नहीं कर रहा, थोड़ा आसान बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपका हो जाए। तो 15% 3000। इसके बाद अब पेमेंट करेंगे कितने परसेंट डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर टू बैंक पूरा मत कर देना पेमेंट, अब बारी बारी से करेंगे हम 20,000। हाँ पहले सोल्ड करते हैं, DRI सोल्ड करेंगे ना, तो एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक टू DRI 3000। तो आपको पहली क्लास याद आ रहा होगा इसमें जो हमने DRI वगैरह करा है फर्स्ट क्लास में। इसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू कैश वाले में बड़ा झंझट है, देख रहे हो कितनी एंट्री बन जाती है, 20,000 और 20,000। उसके बाद GR को ट्रांसफ़र करना होता है, GR में क्या करेंगे हम DRR टू GR कितने, पहला ऑप्शन हमने कर दिया डन। किसी को पहले ऑप्शन में डाउट है जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं वो भी बता दें, और जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं वो भी बता दें। अगर पहले ऑप्शन मैंने डन किया सिर्फ पहला पार्ट, किसी को कहीं भी 1% भी डाउट है, एक डाउट हो सकता है सर यहाँ 1,00,000 क्यों लिया, तो आप 20,000 से भी कर सकते हो, मैंने ड्यू इकट्ठा कर दिया है ताकि मुझे बार बार डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर ना करना पड़े। बाकी किसी में डाउट है तो बताइए फटाफट, तो मैं अगले ऑप्शन पे लेके चलूँगा। ऑप्शन नंबर टू पे जाएंगे फिर हम, ऑप्शन नंबर टू पे जाएंगे। बताइए किसी का डाउट है इसमें, नहीं क्लियर, जो बच्चे लाइव क्लास में किसी का डाउट। क्वेश्चन क्या है जी, ये कंपनी है जो हर जगह आपको कहीं ना कहीं कंपनी तो गिवन ही होता है, बिना कंपनी के तो डिबेंचर हो ही नहीं सकता। इस कंपनी के डिबेंचर कितने रुपए के रिडीम करने, 1,00,000 के, और 1,00,000 को रिडीम जब करेंगे, हमने बोला भाई डिबेंचर होल्डर मेरे पास आ जाओ और तुम्हें हम ऑप्शन देते हैं 1,00,000 रुपये वापसी लेने के, या तो आप ले लीजिए कैश या ले लीजिए प्रेफरेंस शेयर या ले लीजिए नए डिबेंचर। ऑप्शन दिया, डिबेंचर होल्डर ने ऑप्ट क्या किया, बोला नंबर वन पहले वाले ऑप्शन को ऑप्ट किया 20% लोगों ने, यानी 20% लोग वो हैं जो क्या चाहते हैं मुझे क्या मिले, तो 20% वाले को मैंने कैश दे दिया। दूसरे ऑप्शन में लोगों ने बोला मुझे 30% चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30% लोग चाहते हैं मुझे क्या मिल जाए, प्रेफरेंस शेयर मिल जाए। बाकी लास्ट बैलेंस ऑप्शन थ्री बोलते हैं, तो भाई थ्री बैलेंस कितने बचे, 50%। तो 50% जो डिबेंचर होल्डर चाहते क्या है, मुझे मिल जाए डिबेंचर। तो जो पहला ऑप्शन था 10-20% वाला जिसको कैश चाहिए था, वो मैंने कैश की एंट्री कर दी है यहाँ पे। अब बताइए किसी को डाउट, अब बच्चे का डाउट आ रहा है सर लास्ट क्लास में आपने बोला था DRR नहीं बनेगा तो अब क्यों बना रहे हो, DRR कन्वर्जन वाले केस में नहीं बनेगा, यहां इस वाले केस में ऑप्शन नंबर वन में कन्वर्जन तो नहीं हुआ ना, पेमेंट हुआ है तो DRR बनेगा। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम तो मतलब कैसे भी हो रहा हो हमें DRR नहीं बनाना, नहीं, अगर पेमेंट कैश में जा रहा है तो कन्वर्जन हुआ ही नहीं, तो इस केस में DRR बन गया। ठीक है चले अगले पॉइंट पे, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू में बोलता है जी मुझे प्रेफरेंस शेयर एट पार, तो कोई बात नहीं प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट पार है, तो कोई झंझट ही नहीं है, कितने परसेंट 30%, यानी लो जी ऑप्शन नंबर टू खत्म, खत्म ऑप्शन नंबर टू, और कुछ तो करना नहीं है क्योंकि ना तो DRR DRI कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया ना, खत्म हो गया। बताइए किसी को डाउट, ऑप्शन नंबर टू खत्म, किसी को डाउट है तो बताओ, डन। अब करें ऑप्शन नंबर थ्री, अगर किसी को कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली बताइए मुझे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके समझा दूं, जो बच्चे लाइव क्लास में वो भी बता दें। बताइए सर DRI में कितने परसेंट बनेगा, DRI में 15%, लास्ट क्लास आप देखिएगा पता चल जाएगा, DRI में 15% फिक्स रहता है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितना जितना रिडीम हो रहा है। तीसरे ऑप्शन पे चले,
जी तीसरे ऑप्शन में तो प्रीमियम पे देना है, तो जहां प्रीमियम पे देने की बात हो या डिस्काउंट पे देने की बात हो तो वहां नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इस केस में तीसरे वाले में निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखा था, नंबर ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर का अमाउंट जो कि बचता है हमारा 50,000। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 50,000 कैसे आया, तो 50% और फेस वैल्यू का 50% तो आ गया 50,000 और डिवाइड करते हैं इशू प्राइस, इशू प्राइस होगा 100 तो ये आएगा पॉइंट में, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 110 तो पॉइंट में आ गया 454। तो मैंने बताया था आपको पॉइंट वाले बात को हम इग्नोर कर देंगे, समझ में आई बात। एंट्री पे आ जाते हैं, डिबेंचर होल्डर टू क्या है जी 15% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो डिबेंचर होल्डर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर होल्डर में कितना आएगा, पूरे आएंगे 50,000। यहां पे आएगा आपका 454 गुणा में 100 इंटू में 100 आएगा ना, तो 45400 प्रीमियम में क्या आएगा 45, मैंने क्या लिख दिया 454 गुणा में 10 क्योंकि 10 रुपए है तो 45400। अब देखो कमी आ रही होगी कुछ, कितने 60 रुपए की कमी आ रही है, उसको मैच कर देंगे किसमें। अब कुछ बच्चे ऐसा ना समझ ले कि सर 60 रुपए के डीआरआर बनाओ डीआरआई बनाओ, तो ये नहीं, ये फ्रिक्शन वाले पॉइंट को हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने केस करवाया केस नंबर 6, इसमें देखो तीनों केसेस कर दिया, जिसका जो जो डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बच्चे अभी हैं आप बैठे हो, किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया। फिर बुक का क्वेश्चन करेंगे, एक बुक का बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाए हमारे, तो एक बार नोट करिए। चलिए 5-6 केसेस करने के बाद आगे चलते हैं हम आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 17 और पीडीएफ असाइनमेंट नोट्स में भी आपके डाले हुए हैं, और बुक ले ले तो बेटर है जिसके पास बुक है। मैं पूरे क्वेश्चन की हालांकि समरी बना देता हूँ। कहता है अ कंपनी गिव नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिडीम आउटस्टैंडिंग 4,06% डिबेंचर स्टॉक एट अ 102। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है, क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी चाहती है कि उसके पास 6% डिबेंचर रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए की रिडीम करनी चाहती है, वो भी एट, अगर मैं कहूं कि एट द रेट 102 पर, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि डिबेंचर बताइए रिडीम कैसे किया जा रहा है, एट पार है या एट प्रीमियम है, तो जवाब होगा सर एट प्रीमियम है। और अगर आपसे पूछूं कि बताइए कितने प्रतिशत प्रीमियम है, तो जवाब 2% है। तो आपको बता नहीं रहा एग्जामिनर, आपको खुद पता करना होगा, ठीक है ना। आगे कहता है ऑफर टू द होल्डर फॉलोइंग ऑप्शन अप्लाई टू रिडम्पशन। ऑप्शन दिया मैंने, जैसे अभी दिया था, बोला भाई सुन लो आप, ऑप्शन नंबर 1 आपको बोला 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे हम आपको, लेकिन ध्यान रहे ये एट द रेट है 20 का, बट आपको देंगे हम एट, जो हम आपको देंगे वो कैसे देंगे एट 22 पॉइंट। अब जो आपको प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा वो भी प्रीमियम पे होगा, समझे बात। पहला ऑप्शन अभी ये नहीं कि ले रहा है डिबेंचर होल्डर, वो तो बाद में बताएगा कितने डिबेंचर होल्डर क्या चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है बी 6% डिबेंचर ले लो, कहता है 6% डिबेंचर ले लो, लेकिन ये देंगे एट 90, इसका मतलब ये डिस्काउंट पे हो गया। सी कहता है तीसरा ऑप्शन, सी में कहता है तीसरे ऑप्शन में कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो अपना कैश लो और जा सकते हो, तीन ऑप्शन दे दिए। अब डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे वो कहानी। डिबेंचर होल्डर कहता है आगे क्वेश्चन में 1,71,000 ऑप्शन 1
रुपीज 1,71,000 डिबेंचर होल्डर बोलता है हमें ऑप्शन नंबर चाहिए एक। अब सर मुद्दे की अभी बात करेंगे बाद में धीरे धीरे, और कहता है 1,44,000 रुपीज 1,44,000 कहता है मुझे चाहिए ऑप्शन नंबर बी कह लो या टू कह लो। बैलेंस कहता है जी मुझे तो चाहिए बैलेंस, बैलेंस कहता है मुझे चाहिए सी। यानी बैलेंस को क्या देंगे, सी में क्या है या तीसरे में क्या है बताओ जल्दी, कैश। तो अभी करा था क्वेश्चन तो आपको लगेगा जो मैंने कराया था वो रिपीट हो गया, वो तो बस अमाउंट चेंज है। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल ये है, बैलेंस निकालना चैलेंज है। बताओ कौन बच्चा बताएगा बैलेंस क्या होगा, देख के नहीं बताना बस, बैलेंस क्या होगा। चार लाख का टोटल है। अब क्वेश्चन रेज होता है सर 4,100,000 प्रीमियम लगा के करना है ये या फेस वैल्यू बता रहा है ये। ये बताया जा रहा है कि आपको फेस वैल्यू, तो अगर फेस वैल्यू आप अजम्पशन ले रहे हो तो चार में से माइनस करो कितने हो गए, ये सिंपल सी बात है ना, 4,00,000 माइनस 1,71,000 माइनस 1,44,000 85,000 को देना क्या है। लेकिन इन सभी ऑप्शन में प्लस 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 करते जाना है सर 2%, क्यों, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे, समझ रहे बात को, क्योंकि रिडेम्पशन। क्वेश्चन क्लियर है तो हम आंसर पे आ जाएं। अगर आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आंसर पे आए। चले आंसर पे, ऑप्शन नंबर 1 में क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर, वो भी प्रीमियम पे। तो जैसे ही प्रीमियम पे दिया जाता है वैसे ही हमें क्या निकाल लेना चाहिए, नंबर ऑफ डिप। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर मैं यहां निकालू, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थोड़ा देखो मैं शॉर्ट लूंगा लेकिन मैं समझाता जाऊंगा आप समझ लेना इसे जी। हमें देना है 1,71,000 प्लस में 2%, तो 1,71,000 का 2% होता है तो टोटल देना है, अगर मैं प्लस कर दूं इसको तो ध्यान से देखो तो टोटल देना है हमें 20, 2% ज़्यादा निकाल दिया क्या, मेरे को लग रहा है ज़्यादा निकाल दिया मैंने, 20% कर दिया नहीं, 174,420 इसको डिवाइड करना इश्यू प्राइस से, दैट इज अ कितने 22.5, ये आ गया 7,752। समझ में आया नहीं आया पहले बताऊं, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया लेकिन जो समझ रहे हैं शुरू से कर रहे हैं उनको लगेगा तो नॉर्मली क्या जल्दी है। तो ये अमाउंट कैसे निकाला मैंने, क्योंकि मैंने बोला सब में 2-2% ऐड करना है क्योंकि रिडेम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, और 4,00,000 रुपये तो फेस वैल्यू है ना, इसमें 2% प्रीमियम भी तो जोड़ोगे, तो मैंने 2% इसमें जोड़ने की बजाय क्या करा मैंने हर जगह अलग अलग जोड़ दिया। पहले बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो पहले समझ लो भाई, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन आप सभी के पास है आपको पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा समरी बना के नहीं देंगे, तो एक बार फटाफट क्विकली पढ़ भी लो आप, क्वेश्चन क्विकली पढ़ लो, आपको टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का। और जो लाइव क्लास में वो डाउट पूछ लो, सर 2.5 प्लस होगा कि 2.5 तो नीचे डिवाइड करने में प्लस होगा और ऊपर रिडीम करने में 2% प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 का 22 दे रहे हैं तो नीचे होता है इशू प्राइस, तो इशू प्राइस तो 22 का है, ऊपर डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट क्या आएगा जी, 1,71,000 देना है 2% प्रीमियम, तो टोटल डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है हमें 1,74,420 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलिए एंट्री करते हैं, ड्यू एक बार में कर दें, क्वेश्चन में कोई डेट वेट है कुछ नहीं है, ड्यू एक बार में कर देते हैं।
तो ड्यू करते हैं हम जी कितने 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 8,000 रुपए टू डिबेंचर होल्डर को देने हैं 4,08,000। ड्यू एक बार में कर दिया, बार बार करने से ना टाइम खराब और पेजेस और दिक्कत भी रहता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन ऑप्ट कर ले, पहले ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्जन के हिसाब से जी डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, टू प्रेफरेंस शेयर 5% है, चलो उसके आगे क्यूमुलेटिव भी है तो आप पूरा लिखना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मुद्दे की बात है अमाउंट लिखना, तो देखो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट आएगा यहां पे 174,420, ठीक है ना, 174,420। पहले ये बताओ ये समझ में आया। इसके बाद नंबर इसलिए निकालते हैं ताकि यहां मल्टीप्लाई करके पाए, 77,52 और एक कितने का है 20 का, जहां परसेंटेज होता है डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर वहां फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का फेस वैल्यू ये है और इशू प्राइस ये है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा 7752 मल्टीप्लाई बाय 2.5। हाँ क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसके अंदर के डिविडेंड, अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो डिविडेंड जोड़ के बाद में दे दिया जाता है। हाँ तो जब मैं प्रेफरेंस शेयर का दोबारा करवाऊंगा आपको चैप्टर तो उसमें सारा बताऊंगा मैं। एक 55 और पक्का 19,380 पहला पार्ट डन हो गया। अभी कहां से होगा सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ भी तो करना है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने का दिमाग लगाओ ना तो सबसे लास्ट में इकट्ठा ना कर दें, क्योंकि फिर मैं यहां करूं राइट ऑफ फिर अगले में करूं टू में फिर थ्री में, इससे अच्छा क्या इकट्ठा ही कर देंगे, है ना। चलो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर 2 वाले क्या बोलते हैं डिबेंचर, और वो भी किस पे 96 पे क्या है ये 2 पॉइंट सिक्योरिटी प्रीमियम तो 2.5 है ना। ये देखिए 20 वाली चीज अगर आपको 22.5 में दिया जाए तो प्रीमियम कितना आएगा 2.5 आएगा ना, तो इसलिए मैंने 2.5 किया, समझे। अब दूसरे केस में भी हमें 96 का देना है, पार पे होता है तो नंबर निकालने की चिंता नहीं है। अब फिर से नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर है शेयर नहीं डिबेंचर। अब इसका देखते हैं कितने रुपए लौटाने हैं भाई, तुम्हें लौटाने 1.44 प्लस में 2%, 1.44 प्लस 2% तो 1,44,000 पे अगर मैं प्लस 2% कर दूं प्रीमियम 1,46,880 और डिवाइड करेंगे 96 से और नंबर निकल के आ जाएगा हमारा 1,530। कोई दिक्कत, एंट्री अगली कर दें, डिबेंचर होल्डर डिस्काउंट ऑन इशू और टू कितने परसेंट 6% डिबेंचर। सर डिबेंचर होल्डर में क्या अमाउंट आएगा, ये वाला आएगा ना 1,46,800 और डिस्काउंट में 1,530 गुना में 4, क्योंकि डिस्काउंट कितने का है 96 का दिया जा रहा है 100 का सामान, तो 4 का ही डिस्काउंट होगा इनटू में 4, तो ये आ गया 6,100 और यहाँ पे आ जाएगा 1,530 गुणा में। अब यहाँ पूरे 100 लेना है, यहाँ तो फेस वैल्यू आता है जी, तो 1,53,000 टोटल कर लीजिए, 1,53,000 ही बनेगा ये डेबिट क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट है डेबिट। दूसरा केस भी खत्म, यहाँ पे भी एक एंट्री और कर सकते हैं, मैं सबसे लास्ट में करना चाहूँगा 31 मार्च को इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। यहाँ पे देखो प्रीमियम वाली एंट्री मैंने छोड़ रखी है, ये राइट ऑफ इकट्ठी कर दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 के लिए सबसे पहले DRR फिर DRI
क्योंकि कैश है और कैश कितना 85, तो ऑप्शन नंबर थ्री में क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री में 85 देना है और प्लस 2%, तो 85 प्लस 2% आ जाता है 86,700। तो 86,700 अगर आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करते हो तो 100% बना दो। तो मैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल कर लेता हूं, टू डी आर आर 86,700। लेकिन अगर आप इसे मानते हो सर हम इसे अजम्पशन लेते हैं कि हम आउट ऑफ, तो कितने करेंगे इसका 10%, समझे? तो आपकी इच्छा है, गलत नहीं होगा आपका। अगली एंट्री डी आर आई टू बैंक, कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कितने परसेंट, तो जवाब है हमेशा ये बनेगा 15% ऑफ फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 85,000 है यहां पे फेस वैल्यू। अरे ये भी तो गलत हो गया, यहां भी तो फेस वैल्यू आता है, ये भी 85 और यहां पे 85,000 का 12,700। देखिए कोई डाउट सर, 86,700 क्यों नहीं लिया, वो तो पेमेंट करते टाइम पे लेंगे, समझ रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत? अगले पॉइंट पे चले, बैंक में पैसा आ जाएगा टू DRI, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 12,750। कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है सर 12,750 कैसे आया, तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं यहां पे 85,000 का 15%, 85,000 का 15%, ठीक है। इसके बाद क्या करें, पेमेंट करें, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अब बताओ पेमेंट कितना करें, पेमेंट तो पूरी करेंगे हम। इसके बाद अब लास्ट की बची खुची सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ डीआर जीआर सारी वो कर देते हैं, ठीक है। पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास ना प्रीमियम में पैसा है, कहाँ है ये रहा, है ना प्रीमियम में पैसा, और डिस्काउंट को भी प्रीमियम से कर सकते हैं। तो मैं तो एक एंट्री कर देता हूँ एसपी टू एसपी ऑन रिडेम्पशन, कितने रुपए 8,000 साल के एंड में, डेट नहीं है इसलिए डेट नहीं डाल रहा, बाकी साल के एंड में, कोई दिक्कत? इसके बाद अगली एंट्री डिस्काउंट या एसपी टू डिस्काउंट ऑन इशू। सर डिस्काउंट ऑन इशू जो होता है ना, इसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मानते हैं तभी किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 हमें यही इजाजत देता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना और अदर नहीं। अगर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है डिस्काउंट तो करेंगे, नीचे नोट देना कि वी अज्यूम दैट डिस्काउंट ट्रीटेड एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अगर आपको लगता है कि सर ये डिस्काउंट तो बाद का है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, तो ये वाली एंट्री गलत हो जाएगी और एग्जामिनर काट देगा, तब तो आप किसका यूज करना है स्टेटमेंट। इसलिए इसमें तो नोट के चक्कर में आप फंस भी सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है कि नहीं है, तो हमेशा डिस्काउंट राइट ऑफ कर देना स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से, टेंशन खत्म। समझ में आई बात आपको? तो एग्जामिनर का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन पूछे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जा सकता है, हमने कर दिया, हम नहीं कर रहे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज, कुछ थोड़ी इसमें ऐसा करना ही है, ठीक है। एक और एंट्री कौन सा करेंगे, डीआर को जीआर में भेजने की, डीआरआर टू जीआर कितने रुपए, और कोई एंट्री रह गया क्या, सारा एंट्री डन? बताइए अब कोई डाउट, डाउट बताइए लाइव क्लास में जो भी बच्चे हैं।